left, right, left, right. बस जरा एक दूसरे से अट्रैक्शन शो करें इस डांस में, एटलीस्ट एक दूसरे को देखें तो सही। बहुत रूड है आप टीचर, माना कि परफेक्ट नहीं है लेकिन इतने बुरे भी नहीं है। जीनिया मैडम, आप अपने अंदर थोड़ी सी नजाकत लेकर आए। आपकी लेग मूवमेंट्स ऐसी हैं जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रही हैं। एक दूसरे को फॉलो तो करें, वैसे भी लार्ज स्टेप्स तो है नहीं, सिर्फ सिंपल सा डांस करना और कुछ नहीं। एक लेफ्ट एक राइट, गुड। एक दूसरे को देखें और लेग्स हिलाएं आगे पीछे, गुड। दोबारा से करेंगे, अब लेफ्ट राइट, गुड। अब लेफ्ट वाला, अब राइट वाला, यस। फिर से करेंगे। माफ कीजिएगा मैं दखल दे रहा हूँ, लेकिन जिनसे आप बात कर रही थी वो फेमस फैशन आइकन मोनिका ही थी ना? जी हाँ, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यकीन कीजिए मोनिका मैम तो पहले दिन से ही बहुत अच्छी साबित हुई हैं। वो अनम मैम के साथ ही होती हैं। लेकिन मोनिका मैम ने तो हमेशा ही जीनिया का साथ दिया है और दिल की बहुत अच्छी हैं। यकीन कीजिए अयाज कलेक्शन वाले मामले में भी जीनिया हक पर थी, ये भी मोनिका मैम ने साबित किया है। तो वो अयाज जीनिया समर कलेक्शन ने बनाई थी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में तो शायमा का नाम है। हाँ, बदकिस्मती से। ठीक है तो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाओ और हाँ पीछे की तरफ जरा स्लो मूव करेंगे, ऐसे, गुड, कंटिन्यू। मजा आ रहा है? हाँ, तुम एंजॉय कर रही हो? हाँ, लेकिन मैं कुछ सोच रही हूँ, यानी हमारी कार बाहर क्यों खड़ी हुई है? शाम को हम कहीं जा रहे हैं क्या? आप लोग बातें तो नहीं करें? सर हम बातें नहीं कर रहे, हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। क्यों झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? अभी अगर सच बोला तो देखना कैसे गुस्सा करने लगेगा। और तुम अब टॉपिक चेंज ना करो। टॉपिक क्या था वैसे? अयाज तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? टॉपिक था आज शाम को हम कहाँ जाएंगे। काश कि तुम याददाश्त की जगह अपना तजस्सुस खो देती। तुमने जानबूझ के किया है ना? भाई जानम, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? अभी तो हम सीख रहे हैं ना। मेरे पांव कहाँ जा रहे हैं मुझे अंदाजा नहीं है, गलती से लग गया, आई एम सॉरी। इट्स ओके। अयाज, शाम को हम कहाँ जाएंगे? अरे मैं तो ऑफिस जाऊंगा। तो मेरा क्या होगा फिर? तुमने जो करना है सब तुम्हारे कार्ड पर लिखा हुआ है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखो मेरी तरफ। आप दोनों फिर शुरू हो गए, प्लीज बातें छोड़ें, शुरू से करेंगे अब। दैट्स गुड। अच्छा, हमारी बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुई, कम से कम ये तो बता दो ये कार कहां से आई, कितनी क्यूट सी है। स्मॉल क्यूट लेकिन बहुत पावरफुल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारा मतलब है अगर मैं कार होती तो ऐसी होती? हाँ, और कलर रेड होता। हाँ, रेड कलर मोहब्बत की अकासी करता है और तुम मोहब्बत हो। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क हो। चलो रोमियो, तो फिर तुम्हें भी बिठा लेते हैं। नो, जहाँ मुझे जाना है वो जगह थोड़ी अजीब है, मैं चला जाऊंगा, तुम अपनी कार में एंजॉय। अरे मैं तुम्हारे बगैर कैसे एंजॉय करूंगी, थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना प्लीज। इलियास जी, जीनिया मैडम तुम्हारा दिमाग जरूर खाएंगे लेकिन तुम परेशान नहीं होना, ओके? आप फिक्र नहीं करें सर,